दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों एक बड़ी पुरानी कहावत है जिसका मतलब मुझे आज समझ में आया। वो कहावत है कि जो बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस कहावत का मतलब मुझे आज पता चला क्योंकि जब मैंने आज सुबह खबर देखी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका आज फिर से खारिज हो गई है। दोस्तों इस कहावत का अरविंद केजरीवाल से क्या कनेक्शन है मैं समझाता हूं आपको। दोस्तों ये कहावत अरविंद केजरीवाल पे इसलिए बिल्कुल ठीक बैठती है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जमकर घोटाले करे हैं तो उस घोटालों के बाद जेल जाना तो स्वाभाविक है, और जमानत इतनी जल्दी कैसे मिल जाएगी। जबकि आज खुद हाई कोर्ट ने ये बात बोली है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। ये बात का मतलब है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। केजरीवाल जी की अभी तो होली जेल में मनी है, पर अब ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा सब इनका अब जेल में ही बनने वाला है। वैसे मोदी जी ने सही नहीं करा, ऐसे भले आदमी को इस तरह से जेल नहीं भेजना चाहिए। अगले इतना भले का काम करा है, कोरोना के टाइम में जहाँ लोग मर रहे थे उस टाइम में इन्होंने 70% शराब के ऊपर चार्जेस लगा दिए। मतलब कितनी बड़ी बात है, कितने भले का काम है भाई। भले का ही तो काम है, शराब के ऊपर 70% चार्जेस लगा देंगे। लोगों ने शराब तो पीनी है, शराब पियेंगे। अब जिनको भूखा मरना हो भूखे मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब तो जरूरी है क्योंकि लोग भूखे मर जाए वो कोई जरूरी नहीं है। शराब बेचकर, क्योंकि शराब बेचेंगे तो उससे जो पैसा आएगा उसी पैसे तो घोटाला किया जाएगा भैया। ऐसे घोटाला कैसे होगा? तो ये बहुत बढ़िया काम करा था अरविंद केजरीवाल जी ने। ये अरविंद केजरीवाल जी वही है जिन्होंने कोरोना के टाइम में लोगों के ऊपर शराब जमकर बांटी। इन्होंने जिस समय लोगों को खाने की जरूरत थी, भोजन चाहिए था, उस टाइम में इन्होंने शराब बांटी, एक के साथ एक बोतल फ्री। हिंदुस्तान में ये भी एक रिकॉर्ड है जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नाम है कि हिंदुस्तान में एक बोतल के साथ एक बोतल शराब फ्री बांटी गई। यह आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हमारे हिंदुस्तान में ये कारनामा अभी सिर्फ केजरीवाल जी ने करा है। तो दोस्तों आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने से मना करा। बड़ा जुल्म किया उनके ऊपर, उनको बेल दे देनी चाहिए थी क्योंकि ऐसे आदमी को तो बाहर रहना बहुत जरूरी है। बेचारे शराबी आज अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगाकर याद करते हैं कि वो ऐसा मसीहा था जिन्होंने शराबियों के लिए इतना बड़ा मैं तो ये कहता हूँ कि इतना बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने एक के साथ एक बोतल फ्री करी, इतना बड़ा बलिदान कौन देता भला। खैर अब हाई कोर्ट ने मना कर दिया, पर हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है इनको हाई कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। ना तो इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे विश्वास है, ना ही हाई कोर्ट पे विश्वास है। कह रहे भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब नीचे की दो अदालतों से इन्होंने अपनी बेइज्जती तो करा ली, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाके सुप्रीम बेइज्जती कराना चाहते हैं। दोस्तों इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है ईडी के पास, और जिस हिसाब से इनके ऊपर केस बने और जिस हिसाब से इनके घोटालों के केस निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, उस हिसाब से ये बिल्कुल साफ साफ हो गया है कि आने वाले बहुत लंबे समय तक केजरीवाल जी तिहाड़ के दामाद बन के रहेंगे। अब इन्होंने परमानेंट इनका जो पता है वो तिहाड़ जेल हो गया है। तो दोस्तों इस तरह की केजरीवाल जी से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, इनके घोटालों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक लाएंगे। बस हमारी दरख्वास्त ये है कि आपका समर्थन, आपका सहयोग हमें चाहिए। अपना सहयोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दें और अपना प्यार इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।